हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं ये पेंट करने वाला हूँ और मैं ये पेंट करने वाला हूँ पोस्टर कलर से। दोस्तों, ये पोस्टर कलर आपको ज़रूर याद होंगे, इससे आपने ज़रूर पेंट किया होगा कभी ना कभी। मात्र 20 रुपए के कलर से हैं और ये इसका पैकेट है। अब शायद आपको याद आया होगा, ये रंगीला कलर से है दोस्तों। ये पोस्टर कलर है जो कि काफ़ी वैरायटी में आते हैं। और दोस्तों, आपको इस पैकेट के साथ एक ब्रश भी फ्री मिलता है। तो दुनिया का सबसे मुझे ये सस्ता और किफ़ायती पेंटिंग सेट लग रहा है। और मैंने इसको स्कूल टाइम में यूज़ किया था, काफ़ी साल हो गए मुझे पोस्टर कलर यूज़ किए हुए। तो मुझे पता नहीं है इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा पेंटिंग के बाद। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं वेट मीडियम में जनरली यूज़ करता हूँ वाटर कलर्स, एक्रेलिक, गॉश या ऑयल पेंट्स। पर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई आप लोगों से कि पोस्टर कलर पे एक वीडियो बनाइए, पोस्टर कलर करके दिखाइए हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना रंगीला कलर से ट्राई करते हैं, क्योंकि हम सब ने इससे पेंट किया हुआ है। दोस्तों, आपने पोस्टर कलर यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो पोस्टर कलर है वो कुछ हद तक वाटर कलर्स जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं पेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं वाटर कलर पेंटिंग करता हूँ अपनी, मैंने वही अप्रोच यूज़ किया है। मैं बेस लेयर कर रहा हूँ और बेस लेयर मैंने काफ़ी लाइट रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो बेस लेयर है येल्लो, वो मैंने काफ़ी लाइट करने की कोशिश की है, पर इसको पानी के साथ मिला के भी ये काफ़ी, इसमें शायद पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए पानी के साथ मिला के भी ये लाइट नहीं हुआ। एक ये बर्न सी है ना टाइप का कलर है, ब्राउन कलर बोल सकते हैं आप इसको, रेडिश ब्राउन है। उससे अब मैं बेस लेयर कर रहा हूँ और मेरी अप्रोच वही है जैसे वाटर कलर के साथ होती है। लाइट रखना है मेरे को, लाइट टू डार्क जाना है और लेयर टू लेयर काम करना है मुझे। दोस्तों, ये जो पोस्टर कलर्स हैं वो वाटर कलर जैसे, वाटर कलर ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे में, पर पोस्टर कलर ब्लेंड करने में थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और आप देख सकते हैं मैं जो बेस लेयर है उसको लाइट ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल। अब ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा तो लाइट हो जाएगा थोड़ा कलर। अभी ये थोड़ा डार्क दिख रहे हैं सारे कलर्स, पर थोड़ा सूखने के बाद ये लाइट हो जाएंगे। जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये राउंड ब्रश है और इसका साइज़ 8 है। और जो बड़े एरिया में ब्लेंड करने के लिए, वाइप करने के लिए कलर्स को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। इससे बड़ा ब्रश अगर होता तो मैं शायद वो यूज़ करता। एक्चुअली यही मेरे पास सबसे बड़ा ब्रश है, तो अभी मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बड़े राउंड ब्रश से आप ऐसे वाइप कर सकते हैं स्टार्टिंग में पेंट को, तो उससे क्या होगा, ईजिली वाइप होगा और ईजिली आप एक जगह से दूसरे जगह को ब्लेंड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं कलर्स को। और आपके जो स्ट्रोक्स हैं, ब्रश स्ट्रोक्स हैं, वो विजिबल नहीं होंगे अगर आप वाइप करेंगे बड़े ब्रश से। और काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन होगा कलर्स में, लाइट टू डार्क, और ओवरऑल स्मूथनेस भी, जैसे फेस पे जैसे चीक्स एरिया है अगर उसको आपको स्मूथ करना है तो एक बड़े ब्रश से जब आप करेंगे तो काफ़ी स्मूथ इफेक्ट आएगा उससे। अगर आप यहाँ पे छोटा ब्रश यूज़ करते हैं तो आपको अलग अलग स्ट्रोक मिलेगा उसमें, उससे ही फिर स्मूथ फिनिश नहीं आता है। तो आपको स्मूथ फिनिश के लिए बड़े राउंड ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको देखा है, डैनियल स्मिथ और विंस्टन न्यूटन, ठीक है, वैन गो, ऐसे पेंट यूज़ करते हुए जो काफ़ी कॉस्टली हैं, ठीक है, एक बिगिनर शायद अफोर्ड नहीं करना चाहेगा उसको। वो कर सकता है पर शायद वो ना इन्वेस्ट करना चाहे क्योंकि उसकी स्किल नहीं है इतनी, या अपने आप को खुद को भरोसा नहीं है उसको कि शायद वो कलर्स यूज़ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो पोस्टर कलर है फ्रेंड्स,
काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको कम दाम में बहुत अच्छे कलर्स चाहिए तो ये रंगीला कलर्स हैं आपके सामने और मैं ये पेंट कर रहा हूँ। और जो फिनिशिंग पेंटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये जो कलर्स हैं काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो रहे हैं, और जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पोस्टर कलर से, क्योंकि बचपन में भी मैंने जब यूज़ करता था तो ब्लेंड नहीं होते थे, शायद मेरी टेक्निक उस वक्त अच्छी नहीं होगी, पर अभी जिस टेक्निक से मैंने की है ये पेंटिंग, उस टेक्निक से मैं देख सकता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहे हैं, जस्ट लाइक वाटर कलर्स। तो दोस्तों सिर्फ 20 रुपये में आपको ये बेहतरीन 12 सेट के पोस्टर कलर मिल रहे हैं, उसके साथ एक ब्रश भी मिलता है फ्री, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और जो इस पेंटिंग में जो मैंने टेक्निक यूज़ की है, आप मेरे प्रीवियस जितने भी वाटर कलर्स हैं वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं टेक्निक, और सेम टेक्निक मैंने यूज़ की है स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक। तो दोस्तों वाटर कलर्स और पोस्टर कलर में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जब आप वाटर कलर्स करते हैं तो लेयर बाय लेयर करते हैं, और अगर आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर करते हैं तो ईजिली ऊपर और नीचे वाली लेयर को भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। पर जब मैंने पोस्टर कलर ट्राई किए तो मुझे ये पता चला कि जो मेरी बेस लेयर है और उसके ऊपर जो एक और लेयर करूँगा तो जो बेस लेयर के साथ ऊपर वाली लेयर ब्लेंड नहीं होगी ईजिली। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी जो फर्स्ट लेयर है और जो सेकंड लेयर है वो ब्लेंड नहीं होने वाली, तो आपको उसी हिसाब से कलर करना होगा। जैसे मैंने गॉश कलर के साथ मैंने यही एक्सपीरियंस किया था कि जो एक बेस लेयर होता है उसके ऊपर जो लेयर करना होगा वो मेरे को काफ़ी ध्यान से करना होगा, क्योंकि दोनों लेयर ब्लेंड नहीं होगा ईजिली। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जस्ट लाइक वाटर कलर से यूज़ करें इसको, और लेयर बाय लेयर अगर आप लेयर लाइट रखेंगे उसके ऊपर एक और लाइट लेयर करेंगे तो आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, वो अपने आप ही ब्लेंड हो जाएंगे ऐसे, मतलब काफ़ी लाइट लेयर रखते वक्त। तो आप मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं वाटर कलर्स पर और सीख सकते हैं टेक्निक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी पोस्टर कलर से कुछ ट्राई करेंगे पेंट करने के लिए। और अगर आप ट्राई करते हैं पोस्टर कलर से पेंटिंग तो मुझे ज़रूर टैग करिए इंस्टाग्राम पे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ, ट्यूटोरियल्स लाता रहूँ नए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए इस चैनल के बारे में, ये चैनल आपके लिए ही बनाया है मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अपना ध्यान रखिए और आर्ट करते रहिए।